हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आज हम ब्लड का जो तीसरा कंपोनेंट है वो देखेंगे, एंड वो था फॉर्म्ड एलिमेंट का कंपोनेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था RBCs, इस वीडियो में हम देखेंगे WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट क्यों कहा? क्योंकि ये कलरलेस है, कलर नहीं है इसके पास, वाइट कलर की है इसलिए वाइट ब्लड सेल्स। ओके, शेप कैसा है? इरेगुलर है। साइज बिगेस्ट, आपके जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट है ना बेटा, तीन तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट है, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों में सबसे बड़ी साइज आपके WBCs की है। एंड होंगे कितने हैं इन मेल, इन फीमेल एंड मेल? दीज आर फाउंड 8,000 to 10,000 पर 100 ml ऑफ ब्लड। पर 100 ml ऑफ ब्लड में 8,000 से 10,000 आपके WBCs मिल जाएंगे। लाइफ स्पैन, WBCs का लाइफ स्पैन है 4 to 5 days। 4 to 5 days में ही वो आपकी जनरेट होती है और 4 to 5 days ख़त्म होने के बाद डेथ हो जाती है। फॉर्मेशन, प्रिपरेशन कहाँ हो रहा है, फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ द WBCs टेक्स प्लेस इन बोन मैरो, जैसे RBCs का हो रहा है वैसे बोन मैरो में बन रही है। डेथ कहाँ हो रही है? डेथ इसकी हो रही है ब्लड के अंदर ही, इन ब्लड लिखते हैं ना हम, इन ब्लड ही लिखते हैं, इन ब्लड एज वेल एज रीजनरेट इन ब्लड। डेथ भी ब्लड के पास हो रही है, रीजनरेशन भी ब्लड के पास हो रहा है। फॉर्मेशन एक्चुअली बोन मैरो में होगा, तो फॉर्मेशन बोन मैरो होने के बाद ना दो जगह पे मैच्योर होती है, आधी जो होगी आपकी बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाएगी और आधी जो है ना ब्लड के सॉरी हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड होती है आपकी थायमस ग्लैंड बेटा, उस थायमस ग्लैंड के पास जाके मैच्योर होगी। तो जो ब्लड के पास मैच्योर होगी, सॉरी बोन मैरो के पास जो मैच्योर होगी वो बी सेल्स बनाएगी, और जो आपकी थायमस ग्लैंड के पास जाएगी मैच्योर होने के लिए वहाँ से टी सेल्स बनेंगे। दीज आर द टाइप्स ऑफ द WBCs, वो हम आगे इसी वीडियो में देखते हैं। तो ये दो जगह पे मैच्योर होगी, आधी बोन मैरो में होगी और आधी आपकी थायमस ग्लैंड में होगी। ओके, WBCs का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड में कितना रहता है? 600 RBCs के ऊपर एक WBCs होती है, 600 RBCs के ऊपर एक WBCs होती है, क्योंकि RBCs कैसे आपके पर 100 ml ऑफ द ब्लड मिलियंस ऑफ द RBCs आर देयर, तो ये कॉन्सेंट्रेशन रहता है हमारा WBCs का। देन टाइप्स ऑफ द WBCs, WBCs के दो टाइप्स है बेटा मेनली, ग्रैन्यूलोसाइट्स एंड अग्रैन्यूलोसाइट्स। जैसे RBCs का मैंने रिथ्रोसाइट्स नाम बताया था, वैसे WBCs का भी तो है आपका, जो मैं बताना भूल गई आपका, दैट इज द नेम इज लिम्फोसाइट। WBCs का जैसे हम RBCs को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, वैसे WBCs को हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ओके, फिर से हम टाइप्स ऑफ RBCs पे आ गए। क्या है हमारी टाइप्स ऑफ RBCs? दो तरह की टाइप्स है, ग्रैन्यूलोसाइट्स एंड अग्रैन्यूलोसाइट्स। तो ग्रैन्यूलोसाइट्स जो है अगेन तीन पार्ट में डिवाइड होती है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड ईओसिनोफिल्स। एंड अग्रैन्यूलोसाइट्स दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ओके, बेसोफिल कितना है? टोटल जो WBCs है इसका 0.5 to 1% आपके बेसोफिल्स है, एंड बेसोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक डिसीज,
एलर्जीज़ होते हैं ना बेटा, हमें बहुत सारी एलर्जीज़ होती है, किसी को डस्ट की है, पोलन ग्रेन की है, किसी केमिकल की है, किसी फूड मटेरियल की है, तो एलर्जीज़ के खिलाफ जो लड़ने का काम करता है ना वो बेसोफिल सेल करती है। न्यूट्रोफिल सेल किसके खिलाफ लड़ती है, ये है 1-2% होता है उसका टोटल WBCs के, और ये लड़ती है आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ। अगर आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो इसके खिलाफ रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो WBCs है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं हमारी इम्यूनो सिस्टम। WBCs आर द सेल्स ऑफ द इम्यूनो सिस्टम्स, इम्यूनो सिस्टम्स की सेल है हमारी, तो ये हमारी डिसीज के खिलाफ लड़ेगी। तो बेसोफिल्स एलर्जीज के खिलाफ लड़ेगी, न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ेगी, इओसिनोफिल्स आपकी वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ेगी। अगर हमें कोई वायरल या फंगल इन्फेक्शन हुआ तो उसके खिलाफ वो अपने कुछ केमिकल सिक्रेट करेगी जिसके ऊपर वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। एंड मोनोसाइट्स जो है इसे कहा जाता है हमारी मेमोरी सेल। हमारी वैक्सीनेशन की जो मेमोरी बनती है ना बेटा, और लिम्फोसाइट हेल्प टू द मोनोसाइट, मेमोरी सेल को उसको हेल्प कर रहे हैं। तो मोनोसाइट्स क्या है, हमारी मेमोरी सेल्स है। जैसे सपोज हमें चिकन पॉक्स हो गया, तो चिकन पॉक्स के जो भी वायरस थे हमारी बॉडी में गए, तो उसका जो केमिकल था, उसका जो डीएनए जो था उसको हमारी बॉडी ने स्कैन कर लिया WBCs ने, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दी। अब एंटीबॉडी बन गई तो बॉडी को पता चल गया, हमारे ब्लड को पता चल गया कि स्मॉल पॉक्स का या चिकन पॉक्स का वायरस मेरे बॉडी में आता है, तो मुझे इसके खिलाफ ये वाली एंटीबॉडी बनानी चाहिए। ये मेमोरी है, ये मेमोरी हमारी सेल के अंदर अब फिक्स हो जाएगी, ये मेमोरी सेल के अंदर मोनोसाइट्स के अंदर फिक्स हो गई। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हमें कभी इन्फेक्शन होगा उस चीज़ का, है ना, जब भी हमें नेक्स्ट टाइम उस चीज़ का इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी के सिस्टम को तो पता है कि इसके खिलाफ मुझे ये वाली एंटीबॉडी बनाना है, तो वो आपका जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, वो ग्रोथ करने से पहले ही हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी, है ना। ये हमारे नेचुरल इम्यून सिस्टम है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि हमारे सिस्टम के पास उसकी इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है? मेमोरी सेल्स है। जैसे हम कैटलॉग बोलते हैं ना, कैटलॉग से हम ढूंढ के निकालते हैं, वैसे ये कैटलॉग के अंदर सब मेमोरी सेल्स के अंदर सब चीज़ें भरी हुई है कि कौन से बैक्टीरिया के खिलाफ कौन सा एंटीबॉडी बनाना है, कौन से वायरस के खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी बनाना है, ये मेमोरी सेल्स के पास इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर रहती है। तो दीज आर द ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स आर द टाइप्स ऑफ आर WBCs। उसमें की जो स्पेशली हमारी न्यूट्रोफिल्स एंड यू मोनोसाइट्स है ना बेटा, ये टोटल WBCs के 5-6% है, एंड दीज आर हाईली फैगोसिटिक इन नेचर। फैगोसिटिक इन नेचर मतलब इनगल्फ करते हैं, जो डे आपका जो डिसीज है, डिसीज मटेरियल है, उसको इनगल्फ करने का काम करते हैं, तो ये हाईली फैगोसिटिक इन नेचर है। अब थोड़ा बहुत और क्या है, हमारे WBCs के टाइप्स हो गए, WBCs की नंबर हो गई, क्वांटिटी हो गई, अब क्या बचा है, WBCs का डिसीज। अगर WBCs बॉडी में ज़्यादा हो गए, हाई कॉन्सेंट्रेशन या हाई नंबर, तो एक डिसीज होती है, दैट डिसीज वी कॉल्ड ल्यूकोपोनिया। इसमें क्या हो जाता है, अगर हाई हो गए तो ल्यूकोपोनिया डिसीज होगा आपका, सॉरी WBCs लेस हो गई, कम हो गई, गलत लिखा हमने, WBCs लेस हो गई, कम हो गई, तो ल्यूकोपोनिया डिसीज होगा। तो इसमें क्या हो जाता है, अब इम्यूनिटी की पावर कम हो गई, क्योंकि WBCs क्या है, हमारी इम्यून सिस्टम है। अब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गई तो कोई भी डिसीज़ हमें इजीली हो जाएगा। बैक्टीरिया को आ गया, वो बोलेगा अरे इसकी इम्यून सिस्टम तो कमज़ोर है, चलो अटैक करो। वायरस बोलेगा चलो अटैक करो इसके बॉडी के ऊपर। तो हमें कोई भी सिंपल से सिंपल इन्फेक्शन जो है वो ईजिली हो जाएगा, क्योंकि WBCs लेस है। और अगर WBCs ज़्यादा हो गई तो सेल कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाएगी, और ज़्यादा ही एक्टिव हो जाएगी तो ज़्यादा ही सेल को इनगल्फ करेगी, और ज़्यादा ही सेल को इनगल्फ करेगी तो हमारी खुद की सेल का भी आइडेंटिफिकेशन नहीं करेगी, खुद की सेल को भी खाना स्टार्ट कर देगी, एंड दैट डिसीज़ वी कॉल्ड ल्यूकेमिया। उस डिसीज़ को कहा जाता है ल्यूकेमिया, इन शॉर्ट हम उसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के अंदर क्या हो जाता है, WBCs का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, मतलब जो 8-10,000 है उसकी तुलना में कई ज़्यादा बढ़ जाती है वो पर 100 ml ऑफ ब्लड में।
ओके, बेसोफिल सेल्स के बारे में हमने देखा था। बेसोफिल सेल्स क्या करती है? एलर्जीज के खिलाफ लड़ती है। तो जब बेसोफिल सेल्स एलर्जी के खिलाफ लड़ती है तो वो तीन तरह के केमिकल्स बनाती हैं। एक तो बनता है हिस्टामाइन, दूसरा बनेगा सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। तो हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। ये इन्फ्लामेशन करवाते हैं अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो गया। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो रही है ना। तो जब आपकी एलर्जीज के खिलाफ लड़ रही है तो ऑब्वियसली अगर आपको एलर्जी हो गई किसी चीज़ की तो आपको एलर्जी होने के बाद क्या होगा, हिस्टामाइन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। हिस्टामाइन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप कोई एंटी एलर्जिक दवाइयाँ खा रहे हैं तो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ क्या करती हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन। अब वो हिस्टामाइन को कम नहीं करेगी, वो बेसोफिल सेल्स को इंक्रीज करती है, क्योंकि बेसोफिल सेल्स हमारी एलर्जीज के खिलाफ लड़ती है तो नंबर ऑफ द बेसोफिल सेल्स को वो इंक्रीज करेगी। ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन आपकी करती है। एंड हिपेरिन, हिपेरिन इज द एंटी कोएगुलेटिंग मटेरियल प्रेजेंट इन द ब्लड। ब्लड के पास प्लेटलेट्स है बेटा, और हमारे पास हमने देखा कि प्लाज्मा के पास दो तरह के प्रोटीन है, थ्रॉम्बिन एंड प्रोथ्रॉम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, तीन एक्चुअली, एंड ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ये ब्लड को क्लॉटिंग करते, कोएगुलेट करते, बट क्या होगा, ये इतने हाईली एक्टिव रहते हैं कि वो ब्लड को बॉडी के अंदर भी क्लॉटिंग करेंगे, इतनी पॉसिबिलिटी है उनके पास। तो हिपेरिन क्या करता है, उनको ब्लड को बॉडी के अंदर आपका कोएगुलेट नहीं करने देता, ये बॉडी के अंदर ब्लड को कोएगुलेशन होने से रोकता है। दिस इज़ द वर्क ऑफ हिपेरिन। अगर हिपेरिन हमारे ब्लड में नहीं होता तो क्या होता, जगह जगह खून के थक्के जम जाते और जगह जगह खून के थक्के जम जाते तो पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम आपके अफेक्ट करती हूँ, पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम वहाँ पे अफेक्ट करती, तो फाइनली तो डेथ होनी ही है आपकी, है ना। तो हिपेरिन जो बेसोफिल्स के द्वारा बनाया जाता है, जो बॉडी के खून को बॉडी के अंदर थक्का जमने से रोकता है, कोएगुलेशन करने से रोकता है। एंड हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन अगर आपके ब्लड में इंक्रीज हो गए, मतलब आपको किसी चीज़ की एलर्जीज हो गई, वो एलर्जीज का इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। और जब हम एंटी एलर्जिक दवाइयाँ खाते हैं तो हम बेसोफिल सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ द हिस्टामाइन आपकी कम हो जाती है। एंटीबायोटिक खाते हम बहुत सारी, है ना। तो एंटीबायोटिक क्या करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ वर्क कर रही है, जो आपकी फंगस और बैक्टीरिया से बनी जाती है ना एंटीबायोटिक, तो वो क्या करती है, ग्रोथ को रोकती है। मतलब जहाँ पे एक मिनट के अंदर वो रिप्रोडक्शन करने वाले थे तो उनका रिप्रोडक्शन रेट कम कर देते हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरस से उनका रिप्रोडक्शन रेट कम कर देगी, तो ये हमारी एंटीबायोटिक्स का वर्क होता है। हमारी जो लिम्फोसाइट सेल है ना बेटा, WBCs की सेकंड सेल और ग्रैनुलोसाइट्स की लिम्फोसाइट सेल, उसके पास दो तरह की सेल्स होती है, टी सेल्स एंड बी सेल्स। एंड टी सेल्स एंड बी सेल्स क्या है, यही हमारी इम्यून सिस्टम है एक्चुअली, जो काम कर रही है ना डिसीज़ को रोकने का, ये डिसीज़ को रोकने का काम बी सेल्स और टी सेल्स ही करती है। मैंने आपको जस्ट बताया था कि बी सेल्स बन कहाँ रही है, बोन मैरो के अंदर। जो बोन मैरो के अंदर WBCs मैच्योर हो रही है वो बी सेल्स बना रही है, और जो WBCs मैच्योर होने के लिए थाइमस ग्लैंड के पास जा रही है वो टी सेल्स बना रही है, और यही हमारी इम्यून सिस्टम को जनरेट करती है। तो दिस इज़ अबाउट द WBCs। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट WBCs, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है हमारी ब्लड के अंदर। उसका फंक्शनिंग क्या करती है, फैगोसिटिक इन नेचर है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, हमारी इम्यून सिस्टम है। इन शॉर्ट हम बोलेंगे ये हमारी इम्यून सिस्टम है जो हमारी बॉडी को डिसीज से फ्री करती है, डिसीज से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट के साथ, इकलौता बचा है हमारा प्लेटलेट्स, उसके साथ आएंगे। थैंक यू।